नमस्कार, ये मशीन सिलाई बराबर नहीं मार रही है, तो इसके बॉबिंस के इसमें प्रॉब्लम है। इसका बॉबिंस को अच्छी तरह से रिपेयर करना है, वो दिखाते हैं हम आपको। नमस्कार, आज हम ये बॉबिंस के इसका प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। ये धागा नहीं छोड़ रहा है, इसमें देखिए प्रेशर पर इतनी गैप हो गया है, ये गैप नहीं होना चाहिए इसमें। इसका ऐसे ये चिपक के रहना चाहिए, बहुत गैप हो रहा है इसमें। इसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें स्क्रू को लेंगे। साइड में निकल गया, ये क्लीन है, ये प्रेशर प्लेट थोड़ा टेढ़ा है, ये इसको हम सीधा करेंगे। इसको हम थोड़ा टेढ़ा करेंगे दबा के, ये इसमें हल्का प्रेशर डालेंगे, ये यहाँ पे सेप थोड़ा चेंज हो गया है, ऐसे प्रेशर डाल दिया। ये प्रेशर प्लेट पूरा गंदा हो गया है, इसमें रस जम गया, तो इसको पूरा क्लीन करेंगे। इसको आप कैसे भी क्लीन कर सकते हैं, उससे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं तो क्या होगा, ये धागा को फंसा के रखेगा, इसको क्लीन करके लेने का। क्लीन कर दिया है, ये अभी ऐसा दिखेगा, अभी ये धागे को पकड़ के नहीं रखेगा। ओके, तो अभी इसको फिर देर लगा के देखते हैं। ये इसमें ये डाल दिया, यहाँ से होल में बैठेगा, यहाँ से इसमें बैठेगा, तो ये स्क्रू अगेन टाइट करेंगे, प्रेशर प्लेट को इसको टाइट कर देंगे, सब टाइट हो जाएगा। इसमें भी गैप कम हो गया है, इसको चालू करके देखते हैं। अभी ये सही मार रहे हैं। ओके, वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू।